दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। को स्पॉन्सर बाय थाली.com, प्योर वेजिटेरियन 100% हाइजेनिक, ऐसा स्वाद जो हमेशा रहे याद। फोन घुमाओ, जहां चाहो वहां मंगवाओ। कॉन्टैक्ट 8607809300। फूड डिलीवरी इन ट्रेन, थाली.com, गीता कॉलोनी, पानीपत। नमस्कार, व्हाट्सएप पानीपत में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं पानीपत दनादन, मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत। आइए आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। प्रतिबंधित एमटीबी किट बेचते हुए महिला डॉक्टर को किया रंगे हाथों काबू। रोड सेफ्टी बिल को लेकर रोडवेज कर्मचारियों का विरोध। कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता के लिए लगाया गया जागरूकता शिविर। ज्योति कॉलोनी के लोगों में निगम के कार्यों को लेकर रोष। देवी मंदिर में हुई भव्य आरती, श्रद्धालुओं की उमड़ी रही भीड़। प्रदेश में लगातार गिरता बच्चों के ग्राफ से सरकार व स्वास्थ्य विभाग चिंतित हो रहे हैं। लिंग जांच के बाद भ्रूण हत्या का मामले सामने आ रहे हैं। पानीपत में भी एक मामला सामने आया है, जहां पर खुलेआम भ्रूण हत्या का सामान बेचते हुए एक महिला डॉक्टर परमजीत कौर को रंगे हाथों काबू किया गया। जहां सरकार बेटा बेटी एक समान का नारा देती आ रही है, वहीं कुछ लोग बेटों की चाहत में लिंग जांच करवाते हैं और मासूम बच्चियों को धरती पर आने से पहले ही घर में मार देने पर उतारू हैं। पानीपत के न्यू रमेश नगर में पिछले काफी दिनों से पानीपत के स्वास्थ्य विभाग को एक निजी क्लिनिक के खिलाफ लगातार शिकायत मिल रही थी कि वह गलत तरीके से भ्रूण हत्या में लोगों का सहयोग कर रही है। आज पानीपत की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक फर्जी ग्राहक बनाकर इस क्लिनिक पर भेजा और भ्रूण गिरवाने के लिए प्रयोग की जाने वाली एमटीबी किट की मांग करवाई। इस ग्राहक के मांगते ही बगैर जांच पड़ताल के पैसे की लालची क्लिनिक संचालक महिला डॉक्टर परमजीत कौर ने तुरंत एमटीबी किट महिला ग्राहक को दे दी। वही योजना के अनुसार स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रंगे हाथ डॉक्टर को एमटीबी किट देते हुए काबू कर लिया। यहाँ पर जो हमें पता चला था, एमटीबी का काम होता है, टर्मिनेशन का भी होता है, किट बेचने का भी होता है, तो सूचना के दाव पे हम काफी टाइम से ट्राई कर रहे थे। हमने इसके लिए कल भी कार्रवाई करी थी, पर कल ये लोग यहाँ बैठे नहीं थे मैडम, तो इस वजह से शाम तक हम वेट करते रहे। हमने डिकॉय ऑपरेशन किया है, इसमें अपना डिकॉय बना के भेजा है, उसको 1000 रुपए दिए थे, जिसके नंबर हमने फोटो नोट कर लिए। वो यहाँ पर जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो उन्होंने इनको 600 रुपये में बच्चा लगाने के लिए किट दे दिए, जो कि मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट के तहत एक जगह का भी रजिस्टर होना भी जरूरी होता है और एक डॉक्टर का भी रजिस्टर होना जरूरी है, जो इनके पास ना रजिस्ट्रेशन उनका है ना डॉक्टर का। ये जो डॉक्टर ना इनके पास सेल परचेज का कोई रिकॉर्ड है इसके बारे में, ना ये उसके लिए वो है। ये BMS के डॉक्टर हैं, BMS इनके क्वालिफिकेशन है, जो इन्होंने हमें बताया, और ये उसके लिए डॉक्टर नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, एमटीपी के लिए रजिस्टर्ड नहीं है। किट एक की मिली है और बहुत ज़्यादा मिली सभी के पास। इन्होंने तो हमें तो अभी पेशेंट से एक मिली है, बाकी हम देख रहे हैं कुछ मिल जाए तो उसको, बाकी कई तरह की दवाइयाँ मिली हैं एलोपैथी, वो तो सामने ही है, आप उसका फोटो देख सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने क्लिनिक से और भी काफी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयाँ काबू की हैं। महिला डॉक्टर परमजीत कौर को काबू कर स्वास्थ्य विभाग ने ड्रग्स कंट्रोलर को बुलाकर क्लिनिक की गहनता से जांच शुरू की। वहीं इस महिला डॉक्टर परमजीत कौर की डिग्री की जांच भी शुरू की जा रही है। कार्रवाई इन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैंने किट दी है और 600 रुपए लिए, बस यही कार्रवाई हुई। आगे जो रिपोर्ट वगैरह तैयार करेंगे वो करेंगे। तो आपको क्या सूचना मिली थी जब आप यहाँ पे, कहाँ पे पहुँचना है? मुझे सूचना हमारी ड्यूटी लगाई गई थी और डॉक्टर साहब ने इन्होंने रिसीव कर लिया था, मुझे इन्हीं के साथ में आई हूँ। सिमरन डिप्टी CMO साहब ने फोर्स मांगी थी अपने साथ, कहीं रेड पे जाना है तो हम उनके साथ आए थे। अभी तक कार्रवाई चली हुई है, इनकी चेकिंग वेकिंग है, डॉक्टर से भी पूछताछ हुई है और यहाँ दवाई भी मिली है कुछ, और मैडम से किट भी मिली है और कुछ पैसे भी मिले।
तो भी जैसे इस तरह में लिख के देंगे कार्रवाई करते हैं। तो ये किट किसके पास से मिली, कौन सा नर्सिंग होम? ये सिमरन नर्सिंग होम। तो जो डॉक्टर इसमें गिल्टी पाई गई है उसको आपने हिरासत में लिया? नहीं, अभी तो हमने उसकी तलाशी ली है, अभी जैसे ही सर लिख के देंगे तो हम उसकी गिरफ्तारी डालेंगे। वहीं महिला डॉक्टर प्रमजीत कौर ने कैमरे के सामने माना है कि उन्हें एमटीपी किट महिला ग्राहक को दी है और उनसे एक गलती हुई है। और कौन कौन साथ है जो चला रहे हैं इसको? नहीं, मैं अकेले चला रही हूं। उन कॉल पे किसको बुलाया जाता है इमरजेंसी? कॉल पे सर डॉक्टर अनुभव गुप्ता आते हैं, सर्जन है अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है तो आ जाते हैं। वो कहाँ काम करते हैं? हाँ जी, वो कहाँ काम करते हैं? डॉक्टर अनुभव गुप्ता जी रेनबो में हॉस्पिटल। आज आपके साथ क्या हुआ, क्यों इन्होंने छापा मार के क्या बोला? एक पेशेंट का कल से प्रेशर कर रहे थे, मंगवा दो मेडिसिन मंगवा दो, मैं कल से मना कर रही थी, मैं नहीं मंगवाती ना, मैं रखती हूँ यहाँ पे। वो फिर ज़्यादा वो किया तो फिर मैंने मंगवा दी कहीं से। क्या मंगवाया था? हाँ जी, क्या मंगवाया? किस चीज़ की? जब आपको पता है कि आप यूज नहीं कर सकते, क्यों ये खतरा मौत क्यों लिया? ऐसे पेशेंट की बात तो मैं आके रिक्वेस्ट करी जा रहे थे बार बार, इसलिए। नवरात्रों के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की भक्ति आराधना की गई। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इस दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधना किया जाता है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है और ये माना जाता है कि माँ चंद्र घंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं मिट जाती हैं। सेक्टर 13 सतारा में स्थित ज्योति कॉलोनी में निगम की लापरवाही कॉलोनी वासियों को भुगतनी पड़ी। दरअसल ज्योति कॉलोनी वासियों का कहना है कि कॉलोनी में न तो सड़कों का निर्माण ठीक से हुआ है और न ही उन पर स्ट्रीट लाइट लगाई हुई है, जिसके चलते वहां आए दिन कोई न कोई हादसा होता रहता है। वहीं कूड़े का नियमित रूप से उठान न होने के चलते कॉलोनी में जगह जगह पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है, जिससे बीमारियों का खतरा फैला रहता है। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि इसकी शिकायत वो कई बार सीए विंडो पर भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये एरिया बेसिकली जो है रूरल एरिया है, यहाँ पर ना तो प्रॉपर सड़कें बनी हुई हैं, ना तो यहाँ पर कोई पानी की निकासी के लिए यहाँ पर कुछ ड्रेनर या कुछ लाइक पाइप लाइन्स ऐसा कुछ है, ना यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स हैं, और पानी इतना ज़्यादा यहाँ पर भरा हुआ है और उसके ऊपर फंगस और लाइक मिट्टी जमी हुई है, गारा है, कूड़ा है, कचरा है, जानवर उसमें जाते हैं, और बिल्कुल उसे बिलोंग करता हुआ हमारा स्कूल है चेतना स्कूल, तो एक ही दीवार है यहाँ पर, क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 4 तक के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। और अभी आप देख रहे हैं जैसे ही वेदर चेंज होगा, जैसे ही मौसम बदलेगा, ऐसे ही मस्कीटोज मच्छर्स अटैक करना शुरू करेंगे। कि आप लोग आए इस एरिया का विजिट करें और यहाँ पर जो कूड़ा करकट है, गंदगी है, यहाँ की साफ सफाई कराएं। और ये आप सीन देख ही रहे हैं जो यहाँ पर क्रिएट हो रखा है इस समय, कितना गंदा रास्ता है यहाँ पे, इतना पानी भर जाता है बरसात के टाइम में, बच्चों को इतने इतने पानी से निकलना पड़ता है, उनकी बुक्स तक गिल्ली हो जाती है, फिर भी बच्चे आते हैं बेचारे, किसी तरह कंप्लेंट बहुत की है लेकिन सुनवाई नहीं होती है, सुनवाई कोई करता ही नहीं है बिल्कुल भी, सुन के चले जाते हैं लेकिन आगे से कोई गौर ही नहीं कर रहा। सीएम विंडो में भी डाला यही है कि हमारे जो बच्चे छोटे छोटे आते हैं, इतनी प्रॉब्लम होती है बरसात के दिनों में, तो पानी भर के कीचड़ हो जाता है पूरा, बच्चे कई बार ऐसे कपड़े ऊपर कर करके स्कूल में आते पढ़ने के लिए। रोड सेफ्टी बिल का विरोध करते हुए वीरेंद्र धनखड़ ने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो रोडवेज कर्मचारी यूनियन धरना देगी। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी नई परिवहन नीति और रोड सेफ्टी बिल का विरोध करते आए हैं। आज भी पानीपत में रोड सेफ्टी बिल को लेकर प्रदेश के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ रोष जताया और सरकार से मांग की है कि जो नई रोड सेफ्टी बिल की नीति लागू की गई है उससे न केवल सरकारी बल्कि गैर सरकारी चालक भी प्रभावित होता है। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी संघर्ष समिति ने इसे जल्द समाप्त करने की मांग की है। रोडवेज कर्मचारी यूनियन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष
वीरेंद्र धनखड़ ने कहा कि अगर सरकार जल्द उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आगामी 12 अप्रैल को प्रदेश भर में 24 घंटे का धरना देगी। साथ ही दूसरे चरण में सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों को यूनियन द्वारा ज्ञापन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार फिर भी नहीं मानती तो 3 मई को परिवहन मंत्री का घेराव करेंगे और फिर भी नहीं मानी तो उसी दिन बड़े आंदोलन का आगाज होगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा रोडवेज जनता की धरोहर है, इसे बचाने के लिए हरियाणा रोडवेज कर्मचारी कुछ भी करने को तैयार हैं। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की तरफ से आज पूरे प्रदेश के रोडवेज भर के सभी कर्मचारी पदाधिकारीगण, केंद्र व राज्य सरकार की जो ट्रांसपोर्ट विरोधी नीतियाँ हैं, चाहे केंद्र सरकार है या हरियाणा सरकार है, वो इस विभाग को निगम बनाने पर उतारू। अभी राज्य का जो विधानसभा सत्र चला हुआ था उसमें ट्रांसपोर्ट बिल 2018 वो सदन ने हरियाणा विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित कर दिया, जिसमें स्टेज कैरिज के परमिट हैं, नई परिवहन नीति के तहत बेलगाम चलेंगे। अतः हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि केंद्र और हरियाणा सरकार इस विधानसभा सत्र के अंदर जो ट्रांसपोर्ट एक्ट 2018 पारित किया गया है ये पूर्ण रूप से कर्मचारी जन विरोधी है, आम जन विरोधी है। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति इसकी प्रबल निंदा करती है और आज की अध्यक्ष मंडल की इस मीटिंग के अंदर ये सर्वसम्मत फैसला लिया गया है कि आने वाली 12 और 13 अप्रैल को रोडवेज का कर्मचारी पूरे प्रदेश के अंदर सभी डिपो के अंदर प्रातः 12 अप्रैल को 11 बजे से लेकर 13 अप्रैल को 11 बजे तक 24 घंटे का धरना देगा। संघर्ष के दूसरे चरण में हरियाणा प्रदेश के अंदर जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके प्रदेश अध्यक्षों को उनके निवास स्थानों पर जाकर के रोडवेज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति इस विभाग को बचाने के लिए रोडवेज कर्मचारियों की मांगों के लिए उनके निवास स्थानों पर जाकर ज्ञापन देगी। अगर फिर भी सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगती है तो हरियाणा रोडवेज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने आंदोलन को तेज करते हुए निर्णय लिया है कि 3 जून 2018 को राज्य के परिवहन मंत्री के मतलौडा स्थित कैंप कार्यालय पर रोडवेज का प्रदेश भर से सभी डिपो और सब डिपो से हजारों की संख्या में कर्मचारी एकत्रित होगा और उनके कैंप कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपेगा। जब भी सरकार अगर इस ट्रांसपोर्ट एक्ट 2018 को रद्द नहीं करती है, मानी गई मांगों को लागू नहीं करती है, चाहे वो कर्मशाला की भर्ती है, 1992 से 2002 तक के चालक प्रचालक को पक्का करने की बात है, हमारे ITR स्केल से वंचित कर्मचारियों की बात है और इस एक्ट 2018 को निरस्त करने की बात है, तो 3 जून 2018 को मतलौडा के अंदर जो पानीपत ऑफिस है परिवहन मंत्री का, वहां से आगामी निर्णायक आंदोलन की घोषणा उसी समय कर दी जाएगी। जिला विधिक प्राधिकरण सेवा द्वारा देवी मंदिर के प्रांगण में जागरूकता शिविर लगाया गया। हम समय समय पर गांव गांव जाकर, स्कूलों में जाकर और कई सार्वजनिक स्थलों पर जाकर समय समय पर लोगों को कानून अधिकारों के बारे में जानकारी देते रहते हैं। और अब नवरात्रा मेला लगा है यहाँ पर मंदिर में, देवी मंदिर में, तो इससे बेहतर जगह ऐसा कानूनी साक्षरता शिविर लगाने को नहीं मिल सकती, क्योंकि जहाँ हम जाएंगे 500-400 लोग मिलेंगे लेकिन यहाँ लाखों श्रद्धालु रोज आ रहे हैं। और ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे हमने अपनी स्टॉल लगाई है कि जो भी मत्था टेक कर आएगा इधर से आएगा और स्टॉल के आगे से होके जाएगा। हमने अलग अलग तरह के यहाँ पे अपने पर्चे रखे हुए हैं। राष्ट्रीय लोकदाला जो हमारी 14/4/2018 को है उसके बारे में प्रचार किया जा रहा है और कैसे मुकदमे लोक अदालतों में रखे जा सकते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। लोग अपने अधिकार तो याद रखते हैं लेकिन अपनी ड्यूटी भूल जाते हैं। उनकी ड्यूटी याद कराने के लिए संविधान में उनकी ड्यूटी क्या है, कर्तव्य क्या है, उसके बारे में बड़े पर्चे हमने छपवाए हैं। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, लोगों को बताया जा रहा है कि अधिकारों के साथ साथ अपनी ड्यूटीज़ को भी निभाते रहिए। ऐसे ही काफ़ी सारे हमने अलग अलग बुकलेट्स बनाई हैं, ईजी लैंग्वेज में है, हिंदी में है, कोई इंग्लिश में है, कि कार्यस्थल पर किसी लेडी के साथ कोई गलत होता है तो उसको अधिकार उसके क्या क्या हैं, तो ये सारी तरह के कानून हमारे पास यहाँ बुकलेट्स के रूप में हैं। जो जो आ रहा है जिसके हिसाब से उसको देना चाहिए देखकर वैसी बुकलेट उसको दी जा रही है। ये जितने दिन नवरात्रा मेला चलेगा उतने दिन हमारा शिविर भी चलेगा। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।